दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियलमी 9 वाली कुछ ऐसी कैमरा सेटिंग्स के बारे में जिसमें अगर आप फोटो क्लिक करते हो तो दोस्तों आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय और आपका स्वागत है मैं निकुल ऑफसाइडेज चैनल में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की और दोस्तों अब हम कर लेते हैं हमारे रियलमी 9 वाला कैमरा ओपन और दोस्तों हम करते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात। तो यहाँ पर आप सबसे पहले ऊपर की ओर देख सकते हैं, आपको सबसे पहले एक ऑप्शन मिल जाता है फ्लैश का दोस्तों, उसके बाद आपको HDR का ऑप्शन मिल जाता है, उसके बाद दोस्तों आपको AI का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन दोस्तों अब हम जाते हैं अपनी सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहला फीचर जो यहां पर मिलता है वाटरमार्क। दोस्तों इसमें वाटरमार्क में आप क्या कर सकते हैं, अपने नाम भी एडिट कर सकते हैं और दोस्तों अगर आप इसको इनेबल करते हैं दोस्तों आपका जो वाटरमार्क है यहां पर आ जाता है। जैसे ही आप फोटो क्लिक करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं आपको यहां पर लिखा हुआ आ चुका है शूट ऑन रियलमी 9 और दोस्तों 108 मेगापिक्सल के कैमरे से। तो यहां पर कुछ इस तरीके से आप फोटो शूट कर सकते हैं, बटन मार्क को इनेबल कर सकते हैं। अब दोस्तों दूसरी जो सेटिंग है यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ पर मिल जाती है कुछ जो है आपकी ग्रेड लाइंस, जो आपकी इसमें जो है ग्रेड लाइंस आपकी इनेबल हो जाती है। मतलब आप इसे इनेबल कर दे तो आपकी ग्रेड लाइन जो फ्रेम टाइप का रहता है आपके कैमरे में फ्रेम आ जाता है, आपकी ग्रेड लाइंस आ जाती है चारों ओर से। तो ये जो है ग्रेड लाइंस यहाँ पर मिल जाती है आपको। फिर लेवल मिलता है, लेवल का दोस्तों आपको शटर साउंड अगर आप इनेबल करना चाहते हैं शटर साउंड इनेबल कर सकते हैं, फ्लिप सेल्फी इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है पाम वाला, मतलब आपको शूटिंग मेथड्स में आप सो पाम, मतलब सो पाम में क्या कर सकते हैं, अगर आप आपकी हाथ की हथेली दिखाएंगे तो आपका फोटो जो है क्लिक हो जाएगा। और ये दोस्तों आपके फ्रंट कैमरे में ही होता है, सिर्फ आपको बैक कैमरे में नहीं होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है वॉल्यूम, यूजफुल फीचर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम बटन की बात करें, वॉल्यूम बटन से आप जो है यहाँ पर आपको जूम भी कर सकते हैं, एक्शन भी कर सकते हैं, फोटो शूट भी कर सकते हैं, आपके मन चाहे आप जो भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं अभी जूमिंग करके आपको यहाँ पर बताता हूँ। जैसे ही मैंने जूम के ऑप्शन पर क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं अगर अप बटन दबाता हूँ तो यहाँ पर जो है मेरे को जूमिंग हो जाती है, और डाउन बटन दबाता हूँ जो मेरी जूमिंग डाउन हो जाती है, जूमिंग आउट हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से जो है आप जूमिंग फीचर्स जो है इनेबल कर सकते हैं और अपना शूट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर जो है शटर पर क्लिक करेंगे तो आपका जो वॉल्यूम बटन से आप फोटो शूट कर सकते हैं और दोस्तों यहाँ पर जो है आपका फोटो शूट हो जाएगा आपके वॉल्यूम बटन दबाते से। अब यहाँ पर क्विक शेयर एंड एडिट का ऑप्शन मिलता है, तो इसमें आप क्विक शेयर एंड एडिट कर सकते हैं, मतलब आप शेयर भी कर सकते हैं और अपनी फोटो को एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको रिस्टोर का ऑप्शन मिल जाता है जिससे आप अपने कैमरे को रिस्टोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने रियलमी 9 वाली कैमरा सेटिंग देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और दोस्तों चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं इसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।